गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शन की बात करने जा रहे हैं और इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? str लेंथ फंक्शन। str लेंथ फंक्शन जैसे डॉलर txt एक हमने स्ट्रिंग लिया और इसका लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे str लेंथ। str लेंथ फंक्शन इट काउंट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका आउटपुट स्ट्रिंग का आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट होगा टोटल नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स और यहाँ व्हाइट स्पेस है तो ये स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करेगा। ये देखते हैं इसको। लोकल होस्ट, फोल्डर नेम दैट इज सीमेज, और इसमें हमने जो नहीं हमें पहले जेम्प ऑन करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ से और हमारा फाइल नेम है स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या दिख शो कर रहा है यहाँ पे? 11। इंस की हमने जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एंड स्पेस 6 7 8 9 10 11। अब इस तरह से हम दूसरा फंक्शन यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे सेकेंड सेकेंड फंक्शन हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे दैट इज यूसी फर्स्ट। अब यूसी फर्स्ट क्या करते हैं यहाँ पे? यूसी फर्स्ट ये क्या करेगा कि ये फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। ये क्या करेगा? कन्वर्ट फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी अपर केस में है तो हमने इसको हेलो यहाँ पे हमने इसको ठीक है। अब ये इट कन्वर्ट्स फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। अब हमने इसको चेक कर लेना है यहाँ पे ये क्या करेगा। एच कैपिटल यहाँ पे पहला कैरेक्टर को क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है अपर केस में। नेक्स्ट जो फंक्शन हम यूज करने जा रहे हैं वो है यूसी वर्ड। अब दोनों में यूसी वर्ड, यूसी वर्ड। अब ये क्या करेगा? एवरी कैरेक्टर, एवरी जो वर्ड है यहाँ पे, इच वर्ड यहाँ पे हेलो सीमेज यू आर वेलकम टू माय ग्रेव, इसमें इट कन्वर्ट्स एवरी वर्ड राइट। इच वर्ड ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं सभी को क्या करेगा? यूसी वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड को यहाँ पे कन्वर्ट कर, यूसी वर्ड्स कन्वर्ट करेगा यहाँ पे अपर केस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका आउटपुट द सेम इज यू आर, सारे वर्ड्स के जो क्या कर रहे हैं सारे वर्ड को पहला लेटर जो है उसको क्या कर रहे हैं अपर केस
अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी तक एसटीआर लेन यूसी फर्स्ट यूसी वर्ड समझा। नेक्स्ट ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। ट्रिम का यूज अगर हम कभी भी जब डेटाबेस में कोई वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं और उस स्टोर करने से पहले हमें ट्रिम जरूर करना चाहिए। जस्ट लाइक जब हम कभी पासवर्ड लाइक कैरेक्टर को स्टोर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कई बार हम वाइट स्पेस को रिमूव करना भूल जाते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए हमें ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं हम। इट रिमूव्स द वाइट स्पेस फ्रॉम इट रिमूव्स द वाइट स्पेस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो हमें जरूर ट्रिम का यूज करना चाहिए जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब भी हम कोई डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं कोई भी। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे यूसी फर्स्ट यूसी एसटीआर लेन। जब भी हम कोई पासवर्ड के कैरेक्टर्स को जब स्टोर कर रहे होते हैं तो हमें उस केस में हमें पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोग यूज करते कई फंक्शंस हैं जो इसके लिए जैसे MD5 का यूज हम करते हैं जैसे कि वो 32 बिट नंबर जनरेट करते हैं और इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। तो MD5 जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कम कर देते हैं। MD5 क्या करते हैं MD5 और हमने यहाँ पे टेक्स्ट है जैसे कि हमने एडमिन एडमिन 1 2 पासवर्ड। इस पासवर्ड को जब भी हम जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा ये हैश वैल्यू कैलकुलेट है MD5 हैश मतलब कि ये 32 बिट नंबर जनरेट कर देगा। जब भी आप इस नंबर को चेक करेंगे तो ये हैश इस नंबर को चेक करते हैं यहाँ पे तो ये आउटपुट पहले का दिख रहा है इसको कमेंट कर देते हैं पहले वाले। तो ये फंक्शन ये 32 बिट नंबर जनरेट कर रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 और ये डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। तो हमें जब भी पासवर्ड पासवर्ड को स्टोर कर रहे होते तो हमें प्लेन टेक्स्ट स्टोर नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है इम्प्लोड। इम्प्लोड फंक्शन क्या करता है इम्प्लोड फंक्शन ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे इम्प्लोड फंक्शन जो कि काफी यूज होते हैं और यहाँ पे हमने यूज करना है डॉलर टेक्स्ट इक्वल टू एरे ये इसको अगर हम चेक डिस्प्ले करना चाहें तो देख सकते हैं इसकी वैल्यूज को। ये एरे हमने क्रिएट किया और एरे की वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन का यूज करते हैं। अब अगर हमने इस एरे को कन्वर्ट करना है हमें अगर हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे एरे किस फॉर्म में दिख रहा है प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर टी टेक्स्ट तो हमें ये एरे ठीक है 0 हेलो 1 हाई
टू, हाउ आर यू, एंड थ्री वेलकम। अब इसे जब हमें कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में, तो हमने इसके लिए यूज करते हैं इम्प्लोड फंक्शन का, इम्प्लोड। हमने यूज कर देना इसको इम्प्लोड। इम्प्लोड पे पहला पैरामीटर जो है वो हमने एरे को किससे सेपरेट करना, सेपरेटर है हमने कोई नहीं, ब्लैंक से हमने ना है। और दूसरा होता है पैरामीटर जो हमारा एरे का मेन, तो ये एरे यहाँ पे हमने लिखना है टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, हम यहाँ से देख कर सकते हैं ये सारे जो एरे की वैल्यूज है उसको ये कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हेलो हाय हाउ आर यू, सर हमने इसको बी आर टैग यूज कर लेते हैं यहाँ पे, या एच आर टैग, एच आर तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एरे है और एरे की वैल्यूज को, एरे को हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इम्प्लोड फंक्शन का यूज करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे सीखा strlen फंक्शन, जो लेंथ फाइंड करने के लिए यूसी फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर्स को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना, जब भी कोई लाइन हम सेंटेंस लिखते हैं तो ये हमें पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इस केस के लिए हम यूसी फर्स्ट यूज करते हैं। यूसी वर्ड जब हम इस सारे इच वर्ड्स को कन्वर्ट करना है अपर केस में, ट्रिम फंक्शन, इट रिमूव्स द वाइट स्पेस व्हेन वी आर गोइंग टू सेव द इंफॉर्मेशन डेटाबेस, यू मस्ट रिमूव द वाइट स्पेस MD5। जब आप पासवर्ड को सेव कर रहे हो तो आप MD5 यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और इम्प्लोड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जब भी हम एरे की वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो इम्प्लोड फंक्शन का है। होप कि ये सारे फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।